नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। 1 करोड़ रुपए के नशीले गांजे के साथ अलीगढ़ पुलिस में एसओजी ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। उड़ीसा से ट्रक से राशन का सामान बताकर अलीगढ़ में अन्य जनपदों में लाए थे बेचने को। देखिए, अलीगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ पंकज धीरज के साथ कैमरामैन राजकुमार की विशेष रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते जहां देश भर में लॉकडाउन है, वहीं नशे का अंतर्राज्य स्तर पर उड़ीसा प्रदेश के कांगड़ा जिले से चोरी छिपे अलीगढ़ में लाकर अन्य जनपदों में नशीले गांजे की सप्लाई करने वाले गैंग के सदस्यों को पुलिस ने एसओजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी अभिषेक द्वारा बताया गया कि अभियुक्तों द्वारा अलीगढ़ लाए जा रहे ट्रक में 940 किलो गांजे के 133 पैकेट छिपाकर रखे हुए थे, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत है। आरोपित गिरफ्तार लोग उड़ीसा से गांजे को 2500 रुपए प्रति किलो भाव से खरीदकर 10000 रुपए प्रति किलो में बाजार में बेचते थे। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि इस गिरोह के अन्य लोगों की तलाश जारी है। इस संदर्भ में पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जनपद अलीगढ़ में एक नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में एसओजी के माध्यम से एक सूचना मिली थी और इसी पर जो है थाना क्वारसी में कयामपुर मोड़ पर एक कंटेनर पकड़ा गया है, जिसमें कि 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। संदेश, मनोज, शिशुपाल, लोकेश और रिंकू। विपिन नाम का एक व्यक्ति फरार हो गया है, जो मुख्य व्यक्ति है इसमें। ये उड़ीसा से सामान लाते थे और यहाँ रिटेलर्स के माध्यम से उसे जो है बेचा करते थे। जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये करीब 2500 रुपये किलो लेकर आते थे और उसे तकरीबन दुगने दामों पर 4500 रुपये में बेचा करते थे। गजेंद्र, जो कि विपिन का रिश्तेदार है, उसी की गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था और उसके लिए उसकी अपनी रेट फिक्स थी। और लोकेश, शिशुपाल, विपिन, ये आपस में जो है हिस्सा बाँट लेते थे और सामान लाने के लिए जो मुख्य रूप से पैसे लगाया करते थे। इसमें 3 व्यक्ति जो है सामान लाने के लिए गए थे, संदेश, मनोज और रिंकू। संदेश और मनोज इसमें ड्राइवर हैं, जिसमें कि मनोज संविदा कर्मी हैं, और इन्हें जो है कुछ पैसे सामान लाने के लिए बेसिकली दे दिए जाते थे। विपिन और गजेंद्र फिलहाल वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये सर कितने दिन से ये काम कर रहे थे और क्या काम कर रहे थे? देखिए, इसमें विपिन शासनी का रहने वाला है और गजेंद्र उसका बहनोई है, जो थाना टप्पल क्षेत्र का रहने वाला है, और ये मुख्य हैं। बाकी व्यक्तियों का संपर्क भी इन्हीं के माध्यम से हुआ है। लोकेश और शिशुपाल शासनी गेट क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें फिलहाल हम जानकारी कर रहे हैं कि इन्होंने कितनी बार ये काम किया है, बट इसमें जैसे लोकेश से बात की गई, उसका कहना है कि मैं पिछले 3-4 महीने से संपर्क में था, बट इस चीज़ को वेरीफाई किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसको जो है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इनके पास से अभी करीब 9 क्विंटल 40 किलोग्राम नशीला गांजा बरामद हुआ है और एक नागालैंड की नंबर प्लेट बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल करके अलग अलग राज्यों से इनके द्वारा जो इन्होंने तस्करी करना बताया। कितने की कीमत का होगा ये लगभग मार्केट में? देखिए, इनके हिसाब से इनका कहना है कि ये 2500 रुपये किलो लाते थे और 4500 रुपये पर बेचते थे, तो 9 क्विंटल और करीब 40 किलो का है ये सामान जो बरामद। ये सर कितने लोग हैं टोटल? देखिए, इसमें 5 व्यक्तियों की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है और 2 व्यक्ति वांछित हैं। इसके अलावा जिनके विषय में इन्होंने बताया है, जिनको ये अलीगढ़ में सप्लाई करते थे, उनके विषय में भी इसमें जो है टीमें लगी हुई हैं और उनके विषय में उड़ीसा से लाते थे और यहाँ पर रिटेलर्स के माध्यम से जो है बेचते थे उसे। कोई रिकॉर्ड चलता है इन लोगों का क्या? इसके विषय में जानकारी की जा रही है, जो भी डिटेल्स इनसे जो प्राप्त होती हैं इन्वेस्टिगेशन में उन्हें भी जो है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। अलग से केबिन है जी सर, पता नहीं, ये मिस्त्री नहीं बनाया, मालिक ने बनवाया होगा ना जी सर। हाँ, मालिक कौन है इसका? मालिक किसका है? नाम क्या पंडित जी का? पंडित का नाम विपिन। विपिन, विपिन के तो बहनों ही का आना है। हाँ, लेकिन गजेंद्र, गजेंद्र क्या नाम है? गजेंद्र, गजेंद्र का है ट्रक। ठीक है, चेहरा खोल। माल कहाँ से लाए थे? सर उड़ीसा से। उड़ीसा से किसके कहने पे लेकर आए माल? सर पंडित जी के कहने पे। पंडित जी कौन, नाम लो पंडित जी का पूरा। विपिन पंडित जी और विपिन पंडित जी और कौन? ये लोग कौन? माल अंदर तुमने भरा था या किसी और ने भरा? सर वहाँ की लेबर भरती है। लेबर भरती है,
तुम्हारा क्या काम रहता है इसमें? माल सिर्फ खाली मेरे को यहाँ से जाना होता है और वहाँ जाकर पैसा दे के और माल लदवा के और यहाँ पे आके मथुरा तक देना होता है। पैसे लेके गए थे तो मथुरा से कौन लेता है फिर गाड़ी? मथुरा से सर पंडित जी गाड़ी आ जाती है, वो हमें चेंज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद कहाँ जाता है माल? ये सर उसका पता नहीं है, पंडित जी जानते हैं। पंडित जी का नाम पूरा क्या है? विपिन पंडित जी। विपिन के साथ और कौन कौन लोग हैं? दोनों इनका भी माल है इसमें, इनकी पार्टनरशिप क्या? पीछे से अगर गाड़ी खोल के देखेंगे तो कैसी लगेगी? बिल्कुल सर खाली। बिल्कुल खाली। पीछे से वो खाली लगती है गाड़ी? जी सर। जा खोल के दिखाना। अगर कोई गाड़ी चेक करता तो उसे क्या बताते हो? गाड़ी खाली है, माल लेने जा रहे हैं। माल लेने जा रहे हो? अच्छा, मतलब जिधर से भी पकड़ ले तो यही कहते हो माल लेने जा रहे हैं? जी सर। अच्छा ठीक है। ये आज तक कभी पकड़ी गई है गाड़ी पहले? नहीं सर, कभी नहीं पकड़ी गई। ठीक है। आगे का तो फ्रंट का ले लो, फ्रंट इसको गिरीश इसको कसवा देना, एज इट इज करवा दो इसको, कसवा दो। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।